के असर पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल के आईसीयू में दाखिल हैं। नुमाइंदा 24 न्यूज अस्मत अली शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्मत, बताइएगा कैसी तबीयत है अब लेजेंड अदाकार की? जी बिल्कुल, मैं बोलूं कि ना बोलूं, इस किरदार से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले अदाकार इफ्तिखार केसर अब भी आईसीयू वार्ड में दाखिल हैं। परसों रात को ही उनके बेटे उनको अलील हालत में यहाँ पे लेके आए थे, लेकिन 13 घंटे गुजरने के बावजूद भी किसी ने उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखी और ना हस्पताल इंतज़ामिया ने उनको इलाज देने की कोशिश की। लेकिन जब 24 न्यूज़ पे कल खबर चली तो उसके बाद तमाम हस्पताल इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आई है। उसके बाद जो वज़ीर सेहत शाहराम तरक्की है वो भी हरकत में है और उन्होंने उनको मेडिकल ए वार्ड में दाखिल कराया, जिसके बाद उनकी हालत जो थी वो ठीक नहीं थी, जिसके बाद उनको आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। लेकिन अब जब सुबह हमारी बात हुई है आईसीयू के डॉक्टर से तो उनका यही कहना था कि इफ्तिखार केसर की हालत जो है वो क्रिटिकल है, कंडीशन उसकी इतनी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जो इलाज मुआलजे की सहूलियात जो हैं वो बेहतर दी जा रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी हालत जो है वो नॉर्मल आ जाए ताकि उनको जो बेहतर से बेहतर जितनी भी इलाज है वो दी जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अस्मत अली शाह।